पहले गुलशन नंदा जी की पुस्तकें पढ़ता था और मैंने उनकी पुस्तकें पढ़कर काफ़ी हिंदी भाषा सीखी, जबकि मेरी मातृभाषा मराठी है, मैं मराठी व्यक्ति हूँ और मैं हिंदी में ही लिखने का प्रयास करता रहा। आज मैंने 24 पुस्तकें लिखी हुई है, जिसमें मेरी 12 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, 4 अभी आ रही है और 6 पुस्तकें तो रिप्रिंट हो चुकी है और मैं अपने ही पुस्तकों का प्रकाशक हूँ। ये 1963 की बात है कि हमारे गांव का एक लड़का था रामदास, वो अपने मामा के गांव जा रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ती है और उस नदी में उसने नहाने के लिए छलांग लगाई और डूबकर मर गया। वो छोटी सी घटना मेरे दिमाग में रही और मैंने उस पर एक उपन्यास लिखा, वो छप भी गया। ये मेरा उपन्यास है रामदास और टॉप सेलिंग वर्क रहा रामदास का, हर स्कूल और कॉलेज में इसे खरीदा जा रहा है। तो वो एक घटना मुझे लेखक बनने के लिए प्रेरित करती रही और मुझे लगा कि मैं लेखक बनूंगा। तब मैं स्कूल में था, स्कूल का विद्यार्थी था, तब मैं विवेकानंद जी के बारे में या गांधी जी के बारे में लिखता था, पर लोगों का इसके प्रति नकारात्मक रूप बना रहा हमेशा ही। यानी कि आज इस अवस्था में भी जो अपने आप को बहुत महान साहित्यकार समझते हैं, वो यही कहते हैं अच्छा वो चाय वाला ना, वो चाय वाला इसलिए उसका छपता है, इसलिए उसके बारे में अखबारों में टीवी पर आता रहता है, पर चाय वाले की पुस्तकें किसी ने पढ़ी नहीं। मैं लिखता हूँ बिल्कुल सरल सत्य घटनाओं पर लिखता हूँ। पहली बात तो जो घटनाएं होती है मेरी वो यथार्थ होता है और दूसरी बात मेरी शुद्ध हिंदी होती है। भविष्य में अभी मेरी जो 8 पुस्तकें तो प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें अहंकार, रेणु और नर्मदा, परंपरा से जुड़ी भारतीय राजनीति, रामदास, और ये 4 मेरी नई पुस्तकें जो प्रकाशित हो रही है, जैसे कि द बैरिस्टर गांधी, गांधी जी के जीवन पर मैं, प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल है उस पर मैं तैयार कर रहा हूँ, और दृष्टिकोण है जो अभी छप के आ चुकी है, जो घटनाओं का वर्णन है, और एक उपन्यास है ध्वंस। तो ये 4 किताबें अभी जून महीने में तक छप के आ जाएगी, उसके बाद फिर 6 किताबें और आएगी, जैसे राष्ट्रपति है, पत्तियों की सरसराहट, इस तरह से कुछ उपन्यास है, कुछ विश्लेषण है। नई दिल्ली में आईटीओ के पास विष्णु दिगंबर मार्ग पर पानबीड़ी सिगरेट बेचता था और मैंने अपने पैसे इकट्ठा किए और पहली पुस्तक 1979 में प्रकाशित की, नई दुनिया की नेता। इस तरह से मेरा ये संघर्ष चलता रहा। मेरी पुस्तक जैसे ही बाहर से आ गई या प्रेस से छपकर आ गई, मैं यहाँ रख देता हूँ, लोगों को बता देता हूँ या नेट पर बता देता हूँ, अपने जो मेरे जो 500 मेरे फ्रेंड्स हैं फेसबुक पर और 1800 लाइक्स है, तो उनको भी और अपने इन ग्राहकों को हम बता देते हैं कि मेरी ये नई पुस्तक आ रही है, और जिनकी जैसे जैसे डिमांड होती है वो यहाँ से बिकती रहती है। मोरे दाता, 10,000 की पुस्तकें मेरी यहाँ से बिक जाती है, 300 रुपये प्रत्येक पुस्तक का प्राइस है, 250 पृष्ठ की प्रत्येक पुस्तक है और 150 रुपये में बेचता हूँ मैं, तो मेरी यहाँ से बिक जाती है, और न्यूज हंट नाम से एक कंपनी है ये बुक, वहाँ से भी मेरी पुस्तकें बिक रही है। फिर मेरा उद्देश्य तो यही था कि एक साहित्यकार बनना। जब मेरी पुस्तकें बिकने लगी और पुस्तकें बिक्री होकर जब कुछ पैसे घर में आने लगे, तब मेरे परिवार ने, मेरे पत्नी ने समर्थन देना आरंभ किया कि उन्हें लगा कि भाई अब हम जो कर रहे हैं वो उसका लाभ हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारी भाषा, हमारा लिखना, हमारा प्रोडक्शन ये टॉप क्लास का है और हम पुरस्कार वगैरह ये सब इसकी अपेक्षा नहीं करते। मुझे बहुत कुछ त्यागना पड़ा, जैसे कि अपने जीवन को त्यागना पड़ा। अगर हम साहित्यकार बनना चाहते हैं तो हमारे जीवन में कारें नहीं है, एयर कंडीशन का घर नहीं है, और संघर्ष है, रात दिन अध्ययन है और आराम नहीं है, ये सब मुझे करना पड़ा और ये मैं करता ही आ रहा हूँ। जिंदगी में तो बहुत सारी उपलब्धियाँ है, जैसे कि अब इतनी सारी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं सड़क पे बैठा हूँ या मैं चाय बेच रहा हूँ, ये कोई कारण नहीं है, ये जीवन का हिस्सा है। जब लोगों को पता लगता है कि भाई उनके पसंद के लेखक लक्ष्मण राव चाय बेच रहे हैं,
तो उन्हें एक अच्छा सा लगता है। इसलिए जो मैंने संघर्ष को याद करता हूँ तो मुझे लगता है वो जो कर रहा था मैं कोई बात नहीं, लेकिन आज उसका प्रतिफल मुझे मिल रहा है। क्योंकि किसी भी लेखक को समाचार पत्र में छापना या राष्ट्रपति कार्यालय जैसे स्थान पर सम्मानित करना, परिवार के साथ बुलाकर सम्मानित करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस सम्मान से ऊर्जा जागृत होती है और अपने काम को प्रेरणा मिलती है। इसलिए किसी भी कला को अपनाने के पहले ये सोच लेना चाहिए कि आप उसमें समर्थित हो क्या या आप उसे कर सकते हो क्या। ये गति होती है उसकी, उसकी नीतियाँ होती है, उद्देश्य होते हैं, तब आदमी आगे बढ़ता है। अगर वो उद्देश्य और नीतियों को लेकर चलोगे और आपको जगह जगह ठोकरें नहीं मिलेगी तो आप सफल हो जाओगे, नहीं तो फिर असंभव है।